जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर गृह नाई, अतुलित बल धाम हेम सैलाव देहम, धनुजमन किसानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बाण राणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम न मानी। जो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, किसी कारणवश पाठ छूट रहा है तो यह श्लोक याद कर लो, इसको दो चार पांच बार बोल लो और अपने नियम को पूरा कर लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप सुंदरकांड ही ना करें, बस पांच बार यही श्लोक बोल दें। से महापुराण में लिखा है कि कहीं शंकर जी ना मिले तो अंगूठे को दो उंगलियों में निकाल करके ऐसे इसको शिवलिंग मुद्रा कहते हैं, का इसके ऊपर पानी का लोटा चढ़ा दो तो वो शंकर की पूजा पूरी हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब मंदिर में ना जाए अंगूठे के ऊपर ही पानी चढ़ाते रहे, ये तब है जब शंकर जी की पिंडी दिखती नहीं है, उस समय शिवलिंग मुद्रा में एक लोटिया पानी चढ़ा दो, भगवान महादेव की पूजा पूरी हो जाती है। ये कब है? जब शिव पिंडी अभाव में है तब। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने घर में महावीर की तस्वीर लगाइए, हनुमान जी रक्षक हैं और हनुमान जी को अपना गुरु बना लें। ये धरती पर बहुत बड़ी बड़ी कृपाएं, बड़ी बड़ी कृपाएं, दैव कृपा है, ग्रंथों की कृपा है, माँ बाबू जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, लेकिन इस धरती पर एक बहुत बड़ी कृपा है जिसका नाम है गुरु कृपा। 40 चौपाइयां तुलसी बाबा ने लिखी, हनुमान जी प्रकट हो गए, कहा मांगिए क्या चाहते हो, का कृपा, का कौन सी कृपा चाहिए। तुलसीदास जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे हाँ हमें वो कृपा चाहिए, सुन लो, आदि चौपाई में स्तुति और आदि चौपाई में कृपा मांगी। कौन सी कृपा? जय 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 हनु मान गोसाई, जय 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 हनु मान गोसाई, आचार्य कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनु मान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनु मान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में हमारी ये प्रार्थना है, जो कृपा गुरुदेव की होती है, गुरु महाराज की कृपा होती है, वही कृपा हमारे ऊपर बरस जाए। तो आप जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, भले ही दुनिया के महात्मा आपके गुरु हैं, फिर भी बजरंग बली हनुमंत लाल जी महाराज को अपना गुरु मानिए, और हनुमान जी को गुरु मानकर उनकी सेवा करोगे तो सब आनंद होगा, सब बढ़िया होगा। ज्ञान नामा अग्रगण्यम, ज्ञानियों में वो सबसे आगे हैं, सब आनंद हो जाएगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, जल्दी आओ स्वामी, पूज्य विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे अपने बच्चों को, बोलो नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली हनुमंत लाल जी और उनके गुरु जी भगवान सूर्य नारायण आपके बच्चों को बहुत ऊंचाई दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आज के कार्यक्रम को हम यहीं